हेलो गाइस, मेरा नाम है इंजमाम और आप देख रहे हैं इंजमाम के चैनल इंजमाम एडिट। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप अपने पिक्सार्ट ऐप ओपन करना। पिक्सार्ट ऐप ओपन करिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा एंड सिंपली आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको अपने मॉडल को सिलेक्ट करना। मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो आपको सिंपली टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड में फ्री क्रॉप दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ब्रश के आइकन को सिलेक्ट करके एंड इसको सिंपली अपने मॉडल पे चला लेना। जैसे कि मैं चला रहा हूँ, सिंपली अपने मॉडल पे इसे चला लेना। बैकग्राउंड में नहीं चलाना, सिर्फ मॉडल पे चला लेना। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। एंड ये देखिए, हमारी पूरी मॉडल सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं इसकी साइज लगभग 2 या 3 रखूँगा एंड अपने हेयर पे चलाऊँगा। ये जो हमारे हेयर छोटे छोटे जो दिख रहे हैं उस पे चलाऊँगा। सिंपली मैं चला लेता हूँ। एंड सिंपली इसे सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद आपको सिंपली कट बैक हो जाना, कट कर लेना एंड बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद उस पर अपने मॉडल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आपको अगेन ऐड फोटो में जाना। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको फायर का पेंसिल लेना, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा एंड इसे ब्लेंड टू स्क्रीन कर लेना। स्क्रीन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, जहाँ पर हमारी माचिस की तिल्ली है उसी के वहीं पर कुछ छोटा करके एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको अगेन ऐड फोटो में आना एंड ऐड फोटो में आने के बाद मैं दूसरी फायर की एक पेंसिल ले लूँगा एंड इसे अपने राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे मैं इसे सिंपली इसे लेफ्ट हैंड पर कुछ इस तरीके से लगा लूँगा बड़ा करके एंड इसे इरेज पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड जो बाहर बाहर हमारा आ गया है उसे मैं सिंपली इरेज कर दूँगा। मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ एंड अगेन ऐड फोटो में आना। ऐड फोटो में आने के बाद फिर से एक फायर की पेंसिल लेनी है, जो कि वही वाली होगी एंड उससे अपने लेफ्ट हैंड पे लगाना। ब्लेंड टू स्क्रीन करके अपने लेफ्ट हैंड पे कुछ इस तरीके से लगा लेना एंड इसे भी बाहर की एरिया में कुछ आ जाए तो इरेज का ऑप्शन पे क्लिक करिए एंड इसे भी मिटा दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी हल्की कम कर दीजिए ताकि थोड़ी अच्छी सी लुक आ जाए एंड इसकी भी मैं बाहर जो आ गई उसे मैं मिटा लेता हूँ। एंड मिटाने के बाद मैं इसे ये हमारी पूरी बाहर बॉडी मिट गई एंड सिंपली इसे डन कर दूंगा एंड अगेन ऐड फोटो में जाऊंगा। ऐड फोटो में जाने के बाद फिर से एक और फायर की पेंसिल लूंगा एंड इसकी एक कॉपी बनाऊंगा डुप्लीकेट एंड इस इधर वाले की ये वाली लूँगा, एक साइड वाली लूँगा क्रॉप करके फायर पीएनजी और डुप्लीकेट वाले की इस साइड की लूँगा पीएनजी, यानी कि दोनों की अलग अलग पीएनजी
ले लूँगा, बना लूँगा यानी कि, एंड इसे सिंपली ब्लेंड टू स्क्रीन करूँगा एंड इसे अपने फिंगर पे लगा लूँगा सिंपली कुछ इस तरीके से। ब्लेंड टू स्क्रीन करनी है दोनों को एंड अपने फिंगर पे कुछ एडजस्ट अपने से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। एंड एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको डन कर लेना एंड अगेन ऐड फोटो में जाना एंड एक स्पार्कल के पेंसिल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे सिंपली ऐड करना है, इसे भी ब्लेंड टू स्किन करना है एंड इसे अपने हाथों पर कुछ इस तरीके से पहले ही आप बैठा लीजिएगा, उसके बाद ब्लेंड टू स्किन कर लीजिएगा ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लुक आ जाए हमारे हैंड पे एंड सिंपली इसे भी डन कर लेना। इसकी ओपेसिटी आप देख लीजिएगा कहाँ पे अच्छी लग रही है, मेरी 90 ओरिजिनल पूरा मिल जा रही है, मिक्स हो जा रही है एंड इसे मैं सिंपली डन कर लूँगा। डन करने के बाद एंड सिंपली मैं ड्रॉ टूल पे जाऊँगा, ड्रॉ टूल में जाने के बाद मेरी ये जो चश्मा है, चश्मे की वो मैंने जो बैकग्राउंड कटिंग में वो हटाई थी उसे सिंपली मैं कवर करूँगा। इसके लिए मैं इस चश्मे के रंग को सिलेक्ट करूँगा एंड अपने उस गूगल पे एवन डूडल क्या बोलते हो यार वही, उस चश्मे पे मैं सिंपली चला दूँगा। आपको ये वाली ब्रश लेनी है एंड साइज अपने हिसाब से रखनी है एंड आपको सिंपली इस तरीके से चला लेनी है एंड अगेन इस लेयर पे क्लिक करना है एंड इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर देनी है ताकि ओरिजिनल लुक आ जाए हमें। और ये देखिए कितनी ओरिजिनल लुक आ गई है, दोनों चश्मा मैच कर गया एंड सिंपली इसे सेव कर लेना, थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक करके सेव कर लेना।